अच्छा तुम इधर आओ, कहाँ जा रहा है? पेड़ देख के जाना। कहाँ जा रहे? वहाँ जा रहा। देखो पेड़ के ऊपर पैर रख रहे हो। इधर आओगे और बाहर? यहाँ तो पेड़ ही दे रहे हैं। जाओ पापा का पेड़ उठा उठा के दो जाके, ये पकड़ो। कुल्हाड़ी उठा लिया, कुल्हाड़ी है या कुल्हाड़ी? मेरा कुल्हाड़ वाला वीडियो बनाऊंगी। हाँ बनाऊंगी। ओ मार ना देना इससे, लेकिन इस पर तो मार सकता हूँ। ये क्या लगा रहे हो मिश्रा जी? मिर्ची। मिर्ची क्या इधर लग गया? गोभी, बैंगन। अभी सौंफ बचा है, टमाटर ये वाला बचा, टमाटर अभी दोनों बचे ना। महाराज आप दीजिए, मेरे को खत्म कर डालो। अच्छा। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल एंड टिप्स। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने ये सोचा कि आप लोगों को थोड़ा अपनी देसी लाइफस्टाइल दिखाती हूँ। तो जैसा भी आप देख सकते हो, अभी मैं रख रही हूँ सब्जियां। मिश्रा जी गए थे मार्केट और वहां पे वो ना बहुत सारे पेड़ लेके आए हैं लगाने के लिए, जो कि हम अपना किचन गार्डन बनाएंगे, हमने पहले ही बताया था आपको। और ये सारी सब्जी मैं इसको ठीक करके रख रही हूँ, जो मुझे फ्रिज में रखनी है, जो बाहर रखनी है, वो सब कुछ मैं ठीक से रख रही हूँ। और गाइज ये शाम का वीडियो है, तो आई एम सो सॉरी, लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गांव में ना लाइटिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और इसलिए अगर लाइटिंग की प्रॉब्लम हो तो प्लीज इग्नोर करना। और आप देख सकते हो अभी मैं सोया मेथी ठीक कर रही हूँ, टमाटर और प्याज, आलू लाए थे, बाकी सब कुछ मैं ठीक कर चुकी हूँ, और बाकी जो बचा है वो मैं ठीक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो। और आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने शेयर की है अपनी देसी लाइफ। तो सब्जी ठीक करने के बाद मैंने शाम के खाने की तैयारी कर दी है, और आप देख सकते हो मैंने चूल्हा जलाया हुआ है। एक्चुअली पहले मुझे चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता था, बट अभी मुझे आ गया है और मैं सीख गई हूँ। तो मैं आज बनाऊंगी चने के दाल के पराठे, और उसके लिए सबसे पहले मैंने डाल लिया है जीरा, और एक कढ़ाई ले ली है, उसमें जीरा डाल दिया है। चना की दाल मैंने भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे पहले, और वो अच्छे से फूल गई है, तो अभी मैं डाल दी हूँ उसमें। और जब ये मेरा थोड़ा सा चटकने लगेगा ना, तो फिर मैं इसमें डालूंगी मिर्ची। मैंने मिर्ची काट के रख लिया है, और आप देख सकते हो अभी मैं डालती हूँ मिर्ची, और मैं बातें भी करती जा रही हूँ। मिश्रा जी थे ना, तो उनसे मैं बातें भी करती जा रही थी। और उसके बाद अब मैंने मिर्ची डाल दी है, और मिर्ची चटकना स्टार्ट हो गई है। तो जब मेरी मिर्ची हो जाएगी, तो फिर मैं उसमें डाल दूंगी चने की दाल। और अभी आई थिंक मेरी मिर्ची होने वाली है, तो अभी मैं डालूंगी दाल। और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि फ्लेम कम है, मतलब कि जो आंच होती है ना चूल्हे की, वो कम लग रही थी, तो वो मैं लकड़ी लगा के उसको मैं सही कर रही हूँ। और हाँ सॉरी, ये तो मैं भूल ही गई थी, इसमें हल्दी भी डालना होता है, तो हल्दी भी मैंने डाल दिया है। और जब मेरी हल्दी 2-3 मिनट के लिए पक जाएगी ना, तो फिर मैं इसमें डालूंगी दाल। और फिर अभी ये मेरा आई थिंक कंप्लीट हो गया है, दाल डालने के लिए रेडी हो गया है, और अभी मैं डाल देती हूँ दाल। अब बस नमक डाल के इसमें पानी डाल देना है, और फिर इसको ढक के रख देना है, मतलब ढक के रख नहीं देना है, ढक के एक्चुअली छोड़ देना है। और फिर हमको जो हमारे चूल्हे का जो आँच होगा ना, उसको आँच मतलब कि आग, तो जो हमारे चूल्हे की आग होगी वो हमको देखना होता है कि है सही से, क्योंकि अगर नहीं सही से रहेगी तो पकेगा नहीं अच्छे से। और बस फिर उसको हम चला देंगे थोड़ी थोड़ी देर में, जिससे कि जलने ना जले नहीं। और अभी मैं डाल देती हूँ नमक, तो नमक डाल के फिर मैं फ्लेम मतलब ढक दूंगी, और ढक के फिर पकने तक का वेट करूंगी। तो जब तक ये पकेगा ना, उधर मैंने कद्दू काट के रखा हुआ है, एक्चुअली हमारे यहाँ लड़कियां नहीं काटती हैं, मतलब
तो जो कद्दू काटना होता है ना, तो उसकी स्टार्टिंग लड़की कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सब्जी उब्जी काट सकते हैं, मतलब कद्दू काट सकते हैं। तो आप देख सकते हो उधर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, और अभी मैं काट लूंगी कद्दू, और जब तक ये पकेगा तब तक मेरा सब्जी का पूरा सामान मैं काट लूंगी। तो सबसे पहले मैं प्याज काटूंगी, और प्याज और मिर्ची काट लूंगी, उसके बाद फिर मैं काटूंगी कद्दू। और ये वाला कद्दू मेरे पेड़ का है, पहला वाला कद्दू मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो हमारे यहाँ दान किया जाता है, दूसरा वाला हमारे यहाँ खाया जाता है। एक्चुअली तीन हुए थे, तो तीन में सबके घर दे दिए गए थे, एक वाला सबके घर दे दिया गया था और एक में ये कटा हुआ रखा है, तो इसको आप देख ही रहे होगे। और इधर मेरा प्याज मैंने काट दिया है, तो ये थोड़ा थोड़ा कटना स्टार्ट, मतलब थोड़ा सा भी बचा है। और अभी मैं मिर्ची काट रही हूँ, तो मिर्ची को ना मैं बीच से कट कर देती हूँ, उसके बाद काटती हूँ, तो इससे मिर्ची और ज्यादा तीखापन आ जाता है, मतलब तीखा जितना होता है उतना ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जो मिर्ची होती है ना वो ज्यादा हो जाता है। तो अभी मैं काट लूंगी कद्दू, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं कद्दू काट रही हूँ, और ये कद्दू ना इतना। तो गाइस आप देख सकते हो इस साइड मैं छोंक दूंगी सब्जी, और सब्जी के लिए मैंने तेल डाल दिया है, तेल मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, और अभी मैं तेल डाल दिया है, तेल मेरा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मेथी दाना और हींग वगैरह सब। तो दोस्तों आप देख सकते हो वो वहां पे आटा मैंने सान के रख दिया है, और अभी मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी मेथी दाना, तो मेथी दाना मेरा थोड़ा सा चटक जाएगा, उसके बाद फिर मैं डालूंगी हींग। तो मेथी दाना मेरा लगभग हो गया है, तो अभी मैं डाल देती हूँ हींग। आप देख सकते हो प्याज मेरा हो गया है गोल्डन ब्राउन, और अब मैं डालूंगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा वेट करूंगी 2-3 मिनट का, एक्चुअली 2-3 मिनट का नहीं, बस थोड़ा सा कि हल्दी पक जाए। और अभी मैं डाल दूंगी कद्दू। कद्दू ये वाला कद्दू मेरे पेड़ का है, तो मैंने भून के पहले ही रख दिया था, और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी सब कुछ। थोड़ा सा ऊपर से मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, अभी मैं इसको मिक्स नहीं करूंगी, जब थोड़ा सा गल जाएगा कद्दू तो मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और नमक मैंने डाल दिया है, नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना होता है, जैसा आप लोग खाते हो वैसा आपको डालना होता है, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा जल रहा है तो मैं ये थोड़ा सा कम करूंगी। और जैसा कि आप देख सकते हो मेरी दाल तैयार हो चुकी है, अब मैं दाल पीस लूंगी, और मैंने सिल वगैरह रख लिया है, तो अभी मैं दाल पीस। तो गाइज इसको बोलते हैं सिल, बहुत से लोग इसको सिलवट बोलते होंगे और बहुत से लोग इसको सिलबट्टा बोलते होंगे, तो आपके घर में जो भी बोला जाता हो ना उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे यहाँ इसको सिलवट बोला जाता है, तो और बहुत से लोग इसको सिल भी बोलते हैं यहीं पे, लेकिन मेरे यहाँ पे सिलवट बोला जाता है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने पीसना स्टार्ट कर दिया है, और गांव में ना ज्यादातर घरों में इसी का यूज होता है, मिक्सी विक्सी ज्यादा नहीं चलती है। और अभी आप देख तो अभी मैं भरना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और ये दाल जो मैंने तैयार कर लिया था तो इसको पूरा पीस लिया था, उसके बाद अभी मैं पराठे में भरना स्टार्ट, मतलब मैंने भर दिया है, और मैं बेल कर फिर इसका मैं पराठा बनाऊंगी, तो पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो।
कद्दू की सब्जी। तो ये वाला कद्दू ना मेरे पेड़ का था और हम लोगों ने तोड़ा था, ताजा कद्दू था, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी सब्जी भी बनी होगी आई होप। अभी मैंने खाया नहीं, सामने रखा है, अभी खाऊंगी। तो गाइस मेरे यहाँ दाल के पराठों के साथ कद्दू की सब्जी सबको बहुत पसंद है और कद्दू की सब्जी और दाल के पराठे मिश्रा जी को बहुत पसंद है, तो मैंने उन्हीं के लिए बनाया था, बट वो चले गए, उनका कहीं निमंत्रण था तो उन्होंने नहीं खाया खाना। और ज्ञानू तीखा नहीं खाता है क्योंकि तीखा हो गया था, तो उसके लिए बस मुझे सादे वाले पराठे बनाने पड़े। और बाकी मैंने और मम्मी ने खाया है, तो मैंने अभी खाया नहीं, सामने रखा है और मम्मी खा चुकी हैं। तो गाइस आज का वीडियो बस यही तक था, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरा देसी जीवन पसंद आया है हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई आपका क्वेश्चन है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आप अपने प्लीज फ्रेंड एंड रिलेटिव में प्लीज शेयर कर देना वीडियो को, जिससे कि ये सारे प्रॉफिट और गांव की जीवन शैली वो भी देख सके। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन होगा बगल में रेड कलर का, प्लीज उसको भी हिट कर देना। और फिर से मिलूंगे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।